तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों की वजह से मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, दिल से बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि 4 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर मैं अपना Q&A वीडियो लाऊंगा, तो यस मैं संडे को अपना Q&A वीडियो लाने वाला हूं। तो जो कुछ भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हो, लेकिन प्लीज सिर्फ एक ही कमेंट करना एंड उसी में जो आप पूछना चाहते हो पूछ लेना। सो हे गाइज, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं हु केयर्स के बारे में। तो हु केयर्स कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए, ठगेस कॉन्टेंट चोर है फीचरिंग ज्ञानी 2.0। तो इस वीडियो में हु केयर्स दिखाए कि कैसे जो है ठगेस उनके वीडियोस को कॉपी करते हैं बोल के। जी हाँ, वो प्रूफ भी दिखाए अपने वीडियो में। एंड ऐसा पहली बार नहीं, पहले भी थगेश ने जो है जयाश के वीडियोस को कॉपी किया था। एंड जब जयाश ने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था तब ज्ञानी 2.0 ने जो है थगेश को सपोर्ट किया था अपने वीडियो में, उसके बारे में भी बात किया यहाँ पर हु केयर्स अपने वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं हु केयर्स के वीडियो का छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखा देता हूँ। इस बंदे ने एक एक जोक एक एक क्लिप मेरी वीडियो में से उठाई हुई है, तो मैं से एक्चुअली काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसने कैसे मेरी कॉपी करी। तो मैं तुम्हारे को पहले अपनी क्लिप्स दिखाऊंगा और फिर इसकी क्लिप्स दिखाऊंगा और फिर देखना कितनी सिमिलैरिटी है। ये बंदा एडिटिंग तक सेम करेगा। एक्चुअली मैं न्यू हूं और मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, तो हम कॉफी पे चल सकते हैं साथ में। यू कैन क्लियरली सी दैट दिस गाय इज एक्चुअली नॉट यूज्ड टू आस्किंग गर्ल्स आउट, लाइक जस्ट लुक एट हिज बॉडी लैंग्वेज, ही इज सो ऑकवर्ड। थोड़ी देर के लिए वो ये भी भूल गया था कि उसने ट्रैक पैंट्स पहनी हुई है, जींस नहीं पहनी हुई, वो पॉकेट मार डालने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली मैं न्यू हूं और मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, तो हम कॉफी पे चल सकते हैं साथ में। यहाँ पे भाई इतना नर्वस है कि भाई भूल गया कि भाई ने जींस नहीं ट्रैक पैंट डाली है और अपने जेब में हाथ डालने का ट्राई किया। सॉरी आई हैव बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड है आपका? बंदी बोलती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ये बंदा इतना दुखी हो गया ना एकदम से, इतना लंबा पॉज लिया इसने, दैट वाज सो ऑकवर्ड। और ऑकवर्ड होने के बाद सबसे पहले बोलता है लिटरली लिटरली। ओह माय गॉड, आई डोंट थिंक ही नोस व्हाट लिटरली मींस। सॉरी आई हैव बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड है आपका? लिटरली लिटरली। I'm sure भाई को literally का मतलब नहीं मालूम है, मतलब चोरी के बाद भी ऐठ रहा है। ये नहीं एक बार बोल दे अच्छा ब्रो I took inspiration from you, ये वो वगैरह, नहीं नहीं ऐसे हो रहा है एकदम। अरे तेरी वजह से मेरी दुकान थोड़ी चलती है, नहीं के पट्टे दूसरों की वजह से ही तेरी दुकान चल रही है। जब जयेश वाला चक्कर हुआ था, ज्ञानी बीच में जबरदस्ती घुसा है थगेश को डिफेंड करने के लिए, ही वाज लाइक उसके वीडियो इतने की थी, उसका ये था वो था, भाई उसने तेरे से कॉपी नहीं किया, टकलू मुंह बंद रखा कर अपना बहन। मुझे लगता है बाल के साथ बहन ट्रेन साथ भी उड़ गए तेरे, मुंह बंद रखा कर। For real भाई, like please shut the fuck up भाई। मतलब कुछ भी बोल रहा था जयेश को, बोलता है जयेश कंट्रोवर्सी कर रहा है, लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, उसको व्यूज और अटेंशन चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना भैंस। हाँ नहीं भाई, यूट्यूब पे बैठे हैं लोग भैंस प्राइवेट वीडियो करने के लिए बैठे होते, व्यूज और अटेंशन नहीं चाहिए होती तो। अबे चुतियो, व्यूज और अटेंशन की बात नहीं है, किसी के कॉन्टेंट चुराने की बात है। तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि तुम तो कॉन्टेंट बनाते ही नहीं हो। इसके बाद थगेश तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया अभी तक, लेकिन ज्ञानी 2.0 रिएक्ट किया था इस चीज के ऊपर एंड वो कुछ स्टोरीज पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पर। तो आप भी देखिए ज्ञानी 2.0 के इंस्टाग्राम स्टोरीज। ओके आई गेस किसी और ने भी वीडियो बना दिया जिसके लिए मेरे से सारे लोग रिप्लाई मांग रहे हैं, बट एक्चुअली मैं जानता भी नहीं था, नाम सुना था मैंने बट जानता नहीं मैं उसके चैनल को, बट मैंने देखी नहीं। जब मुझे पता बंदा गाली दे रहा तो मैं क्या रिप्लाई दूँ, क्यों देखूँ? अब मुझे पता है क्या होगा उसके बाद और क्यों है ये सब, सो रिलैक्स रहो, चलो मार कोई दिक्कत नहीं, करने दो यार, सब खुश रहो, जो अच्छा लगे वही करो। सो यस यार, आप लोगों का क्या कहना है इस पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि है कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी कल जब अपने सेकंड चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे पबजी का, तो उनका फोन नंबर कल फिर से लीक हो गया, लेकिन इस बार उनका पर्सनल नंबर नहीं था, उनका बिजनेस नंबर लीक हो गया। तो हुआ ये कि कल कैरी मिनाटी फोन से पबजी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो किसी ने उनको फोन का ब्राइटनेस कम करने को कहा। तो जब उन्होंने वैसा किया तब उनके में बहुत सारे मैसेजेस आके रखे थे व्हाट्सएप पे, तो वहीं पर उनका बिजनेस नंबर भी दिख गया। अब मैं वो नंबर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कैरी मिनाटी का रिएक्शन आप देख सकते हो जब उनका नंबर लीक हो गया। ब्राइटनेस कम कर ले भाई, सर दर्द होगा। ओके ठीक है, कितनी कम कर लूँ ब्राइटनेस? आई थिंक इतनी नहीं, नहीं गाइस इतनी बहुत है आई थिंक। गाइस जिस जो अभी अभी तुम नंबर देख रहे हो, प्लीज़ वो बिजनेस रिलेटेड नंबर है, उस पर कॉल मत करो। मैं ऑब्वियसली तुम्हें रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। ऑल्सो कैरी मिनाटी अपने न्यू वीडियो का भी अपडेट दिया अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू, तो आप भी देखिए कैरी मिनाटी क्या कहे। आज का सबसे बड़ा सवाल, वीडियो कहाँ है? वीडियो छुट्टी बनाने गई है, थोड़े दिन में आ जाएगी, और कहाँ जाएगी? जाना ही कहाँ, उसे आना ही पड़ेगा। और तुम लोग देख रहे होगे कि इनएक्टिविटी भी काफी चल रही है, वो इसलिए चल रही है क्योंकि मैं
क्या डालूं यार, मतलब दिस इज ऑल डे एवरी डे, क्या डालूं। तो चलिए अब अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि है इक्का एंड डिवाइन के बारे में। तो इक्का एंड डिवाइन का हमें बहुत ही जल्द एक कोलैब म्यूजिक वीडियो देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि रिसेंटली डिवाइन अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाले जहाँ पर वो इक्का को टैग किया था एंड लिखे इक्का का नया एल्बम लेवल अप है, एक गाना किया है साथ में लेट्स गो। फिर इसी को इक्का भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए एंड लिखे डिवाइन मेरा भाई लेट्स गो। तो इसका मतलब हमें बहुत ही जल्द डिवाइन एंड इक्का का कोलैब म्यूजिक वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए अब अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि है सम्राट भाई के बारे में। तो सम्राट भाई कल अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाले जहाँ पर वो एमिवे बंटाई को टैग किए एंड लिखे एमिवे बंटाई मेरे गाने के कॉपीराइट्स मेरे पास इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। तो यहाँ पर वो दिखाई कि कैसे जो है अगर आप एमिवे बंटाई के सॉन्ग्स को यूज करते हो अपने वीडियो में तो उनमें जो है कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं। एंड आपको पता होगा एमिवे बंटाई हमेशा ये बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है बोल के। तो यहाँ पर सम्राट भाई बेसिकली क्वेश्चन किया कि कैसे तो फिर एमिवे बंटाई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हुए क्योंकि उनके सॉन्ग अगर आप यूज करते हो तो उनमें जो है कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं। सो यस सर, आप लोगों का क्या कहना है इस पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि है एल्विश यादव एंड कुणाल कामरा के बारे में। तो कुणाल कामरा कल अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किए थे जहां पर वो लिखे वंडर इफ कश्मीरीज हैव गिवन फुल इंटरनेट एक्सेस टुडे सो दे कैन वॉच द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइव। तो उसका एल्विस यादव रिप्लाई दिए, वो लिखे तुम्हारे घर में हवन करवाने की जरूरत है बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। सो यस यार, आप लोगों का क्या कहना है इस पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि है हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल का न्यू वीडियो का शूट चालू हो चुका है। जी हां, उसी का अपडेट देते हुए हर्ष बेनीवाल अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाले जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो इसका मतलब हमें बहुत ही जल्द हर्ष बेनीवाल का न्यू वीडियो देखने को मिल जाएगा उनके YouTube चैनल पर। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते चुकी है राय स्टार के बारे में। तो राय स्टार ने कंप्लीट कर लिया अपने चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जी हां गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। सो यस, माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू राय स्टार। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही न्यूज था। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। इसी तरीके के यूट्यूब कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए इस चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।